हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए 3 मल्टीबैगर का स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 12 महीने स्टॉक को लेके रख सकते हो। और इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। रिस्क यानी कि 10 से 15% के बीच में रिस्क होता है, लेकिन जब रिवॉर्ड आएगा तो वो 1x 2x का भी रिवॉर्ड होता है। तो मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि कहाँ पे बाय करना है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है बाय करने का। तो उससे पहले गाइज, अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ देता रहता हूँ, ट्रेड भी देता हूँ, और आपके कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो उसके अलावा गाइज, आपको पता होगा लास्ट सैटरडे अपने जो मल्टीबैगर का वीडियो बनाया था उसमें 3 स्टॉक दिए थे। ग्रीनवेल्ट दिया था, 2060 से 2250 का हाई मारा था। उसके बाद दूसरा स्टॉक था एस्ट्रा माइक्रो, वो 308 के करीब बोला था। उसके बाद 374 का हाई मारा था, यानी कि 20%, वो भी 5 दिन में ही रिटर्न आया। उसके बाद तीसरा स्टॉक था क्रिसिल, वो भी 2-3% अप ही है। उसने भी हाई अच्छा मारा था, लेकिन लास्ट में मतलब फ्राइडे को थोड़ा नीचे आ गया था, लेकिन वो स्टॉक भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक में आपको रिटर्न बहुत अच्छे से मिलते हैं, यानी कि कभी कभी 1 या 2 महीने में आपके स्टॉक डबल भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डिसिप्लिन के साथ वो स्टॉक को होल्ड करके रखना है। तो अभी मैं आपको 3 स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले सॉरी गाइज, 3 से 12 महीने आप ये स्टॉक ले सकते हो और अच्छी रैली दिखा सकते हैं ये स्टॉक। तो पहले स्टॉक का नाम आपने देख लेते हैं। स्टॉक का नाम रहेगा शंकरा। शंकरा को आपको क्या करना है, बाय करना है। बाय करने का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो देखो, वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे स्टॉक को। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक का नाम देख सकते हो, शंकरा स्टॉक का नाम है। वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस डेट कौन सी रहेगी अपनी, 27 अगस्त 2022, यानी कि हर सैटरडे को अपने मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बताते हैं। तो पहला रीजन, वीकली चार्ट में स्टॉक कर क्या रहा है, तो अपना सबसे ज्यादा इस पे भरोसा रखते हैं, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यानी कि ध्यान से आप देखोगे तो स्टॉक कर क्या रहा था, स्टॉक ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, यानी कि एरिया को क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था। एरिया पे स्टॉक का सप्लाई एरिया था। उसके बाद स्टॉक ने देखो ऊपर अच्छी रैली दी, उसके बाद रिटेस्ट करने एक कैंडल नीचे आई, फिर से स्टॉक ने न्यू हाई बना के ऊपर गया, उसके बाद रिटेस्ट करने यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे गया, रिटेस्ट करने नीचे आया, फिर से यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड करा है। तो पहला रीजन हो गया कि स्टॉक का ये पहले क्या था, सप्लाई एरिया था, वो स्टॉक का अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिमांड जोन हो गया, तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट सेटअप को फॉलो कर रहा है स्टॉक। और दूसरा रीजन देखोगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट कैसा होता है कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन जाती है, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आती है, डाउन ट्रेंड छोटा सा बनाती है। तो ऊपर से देखो रिजेक्शन आ रहा था, रिजेक्शन आ रहा था, यहाँ पे भी रिजेक्शन आया, और यहाँ पे भी रिजेक्शन आया, और स्टॉक ने फाइनली वो क्या किया, जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको आप देखोगे तो एक कैंडल ने क्या किया है, ब्रेक किया और ऊपर चला गया स्टॉक। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में गिरावट आई, लेकिन इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और ट्रायंगल जो ब्रेकआउट बन रहा था उसका ब्रेकआउट देख के अच्छे से ऊपर क्लोज दिया है। तो ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक में, यानी कि आप मान सकते हो कि स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे पहले डिमांड जोन बनाया, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाके अभी ट्रायंगल का ब्रेकआउट देके भी ऊपर क्लोज दिया, यानी कि बहुत हाई चांस है कि स्टॉक अभी ऊपर ही रहेगा, और ब्रेकआउट देके ऊपर ही है तो ऊपर जाने के बहुत हाई चांस है। अगर इनके स्टॉक नीचे आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस कौन सा होगा, ए वाला होगा, यहाँ पे उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा हो, और उसने लास्ट स्विंग यही एक कैंडल बनाई थी, उसका लो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा। तो अभी सीएमपी कितना है, 724.95 है। तो इस स्टॉक को आपको करना क्या है, मंडे को ओपन प्राइस पे ये स्टॉक को बाय करना है, और टारगेट देखोगे तो 1450 का है। अभी आप सोचोगे मैंने टारगेट कैसे दिया, तो देखो गाइस, ये अप ट्रेंड स्टॉक है और मल्टीबैगर स्टॉक है, ऑल टाइम हाई के जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर इसमें टारगेट आता है, 1450 मैंने बोला तो उसका मतलब ये नहीं कि यही आएगा, उससे भी ज्यादा आ सकता है, लेकिन मैंने 3 से 12 महीने के हिसाब से ही आपको बोला है। ये स्टॉक आराम से 3000 4000 भी जा सकता है, उसमें कोई है नहीं, लेकिन आपको करना क्या है, ट्रेल स्टॉप लॉस करना है। अगर आपके पास अच्छा टाइम है, उसको होल्ड करके रखते हो 2-3 साल, तो भी आप ट्रेल स्टॉप लॉस करो, जब तक आपका लास्ट स्विंग होता है वो ट्रिगर नहीं होता तब तक आप इसमें होल्ड करते हो। लास्ट स्विंग यानी कि यहाँ से स्टॉक ने न्यू हाई बनाया, यहाँ पे स्विंग लिया, आप स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको यहाँ पे होल्ड करना है। अभी यहाँ से स्टॉक समझो न्यू हाई बना के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर तो आपको ऐसे ट्रेल करके जाना है, तो अच्छी रैली दिखा सकता है। SL एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 638, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो लास्ट स्विंग आप बोलो
क्योंकि आप देखोगे तो इसने जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया उसके बाद उसको भी हाई एक कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर गया, यानी कि कंफर्मेशन मिल गया कि ये स्टॉक का लास्ट स्विंग है। तो इसके नीचे अगर समझो स्टॉक गिरावट आती है और नीचे आता है तो आपको इसमें से एग्जिट करना है। तो बहुत कम चांसेस स्टॉक में गिरावट आएगी, क्योंकि स्टॉक यहाँ से पहले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, वहां से आएगा तो ट्रेंड उसको डिमांड जोन का सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद स्टॉक को नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि गिरने के चांसेस बहुत कम है, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको इस स्टॉक को करना क्या है, बाय करना है 724 पे, 638 का वीकली क्लोजेस के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। तो रिस्क देखोगे तो 12% का, रिवॉर्ड देखोगे तो 100% का है। तो रिस्क रिवॉर्ड आप 1:8 का समझ सकते हो, टाइम पीरियड लग सकता है 3 से 12 महीने अगर आप पोजिशन बना के रखते हो तो इसमें अच्छी रैली दिखा सकते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, मैं टाइम पीरियड 3 से 12 महीने इसीलिए देता हूं, अगर आपके पास इतना टाइम है तभी आप इस स्टॉक में लगाओ, अगर आपके पास समझो कि 1-2 महीना है तो आप इस स्टॉक में मत लगाओ। क्योंकि मैं बोला कि ये स्टॉक डबल हो सकता है, तो आप सोचो कि डबल होता है तो चलो 3 महीने में एटलीस्ट 20% रिटर्न देगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, 1-2 महीना स्टॉक साइडवेज भी जाता है, कभी कभी 4-5 महीना भी साइडवेज रहता है, उसके बाद अच्छी रैली दिखाता है। तो आप सोचोगे कि 3 महीने के लिए आपको पैसे उसके बाद चाहिए तो आप लगा दिया, और स्टॉक में भी साइडवेज या तो 2-3% नेगेटिव भी जा सकता है। इसीलिए अगर आपके पास फंड है और 3 से 12 महीने की आपके पास तैयारी है तभी ये स्टॉक में लगा सकते हो, अदरवाइज आप दूसरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सोच सकते हो। तो अपना पहला स्टॉक हो गया शंकरा, जो वीकली चार्ट के ऊपर आपने क्या किया, एनालिसिस किया, अच्छा स्टॉक है, ऊपर की साइड जाने का बहुत हाई चांस है। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा, टीडी पावर सिस्टम। टीडी पावर सिस्टम को आपको करना क्या है, बाय करना है, बाय करने का लॉजिक समझाऊंगा। तो आपने यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक का नाम, आप यहाँ पे देख सकते हो टीडी पावर सिस्टम। वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस डेट कौन सी होगी, 27 अगस्त 2000, अरे 2027 नहीं 2022 होती, यहाँ पे गलती हो गई टाइप करने में, 1 मिनट का इसमें इसको चेंज कर देता हूँ, 27 अगस्त 2022 टाइम पीरियड रहेगा अपने एनालिसिस डेट। तो अभी इसको रीजन क्या है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो ध्यान से देखोगे तो स्टॉक वीकली चार्ट में कर क्या रहा था, ऊपर जा रहा था, ऐसे रिजेक्शन आया फिर से ऊपर गया, लेकिन रिजेक्शन आके नीचे क्लोज दिया, फिर से ऊपर गया, रिजेक्शन आके नीचे क्लोज दिया, यानी कि ये स्टॉक का सप्लाई जोन हो गया, इसके ऊपर स्टॉक क्लोज नहीं दे रहा। फिर फाइनली 1 वीक ऐसा आया कि स्टॉक ने अच्छे से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज दिया, यानी कि अभी स्टॉक का ये क्या हो गया, सप्लाई जोन था, वो स्टॉक रिटेस्ट करने नीचे आएगा। उसके बाद देखो स्टॉक ने बड़ी सी रेड कैंडल बना के नीचे आया, कहाँ पे आया, ये जोन में आया, यानी कि यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका स्टॉक का। अभी रिटेस्ट हो चुका तो अपने को कंफर्मेशन चाहिए कि रिटेस्ट के ऊपर बाय करना है। तो रिटेस्ट के ऊपर नॉर्मली ये जो रेड कैंडल है उसके ऊपर आपका कॉल एक्टिव होना चाहिए। तो ये वीक में देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बनी, उसने न्यू हाई बनाया था, एक कैंडल के ऊपर भी स्टॉक गया था, यानी कि एक्चुअली लॉजिकली आपका कॉल यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, लेकिन भले स्टॉक में अभी थोड़ा सा नीचे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको सस्ते में स्टॉक मिलेगा अभी। तो यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है उसने कंफर्मेशन दे चुका है, उसका प्रीवियस जो कैंडल था उसका हाई भी एक बार ब्रेक कर चुका है, यानी कि ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि स्टॉक यहाँ से जाने के ऊपर जाने के लिए रेडी है, और इस स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है वो अपने को कंफर्मेशन मिल चुका है। और नीचे से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, और यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और उसको डिमांड जोन भी मिल रहा है। एक ही लाइन में दो जब मिलते हैं तो कंफर्मेशन मिल जाता है कि वो स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो देखोगे तो गाइस बाय एट सी एम पी 570 पे आपको इस स्टॉक को मंडे को बाय करना है, टारगेट 1150 का है, यहाँ से भी ज्यादा जा सकता है अगर ज्यादा होल्ड रखते हो तो। SL का पे एग्जिट इफ वीकली क्लोज बिलो 510, 510 यानी कि ये जो रेड कैंडल का लो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉक में गिरावट आएगी तो उसको पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी, उसके बाद डिमांड जोन में आना पड़ेगा और उसके बाद क्लोज देना पड़ेगा। तो आपको बहुत कम रिस्क में मल्टीबैगर स्टॉक मिल रहा है, इसलिए आपको ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। रिस्क देखोगे तो सिर्फ 10% का है, रिवॉर्ड 100% का है, रिस्क रिवॉर्ड 1:10 का है, टाइम पीरियड रहेगा 3 से 12 महीने, पोजीशन बना के रखोगे तो टीडी पावर सिस्टम में अच्छी रैली ऊपर की साइड दिखा सकता है। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया टीडी पावर सिस्टम, जो वीकली चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक है, ऊपर जा सकता है। और गाइज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि शंकरा में मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकआउट, देखो अभी आपको हल्का सा लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा कि हल्का सा ही लग रहा है कि ट्राइंगल ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, लेकिन ऐसा ही ब्रेकआउट होता है। देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको टाटा कॉफी में बता रहा हूँ,
सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट किसको बोलते हैं वो आपको एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। तो देखो इसमें भी आपको बोला था कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आती है और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आती है, जैसे कि ये दोनों का जब भी ब्रेकआउट होता है तो ये कैंडल देखो ब्रेकआउट हो चुका है एक्चुअली, इसने भी देखोगे तो उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो आपको लग रहा होगा कि हल्का सा ही है लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जब भी ब्रेकआउट हो चुका है फिर स्टॉक अच्छी रैली दिखाता है। अपने टाटा कॉफी भी आप देखोगे तो 19 मार्च को अपने एक कॉल बाय पे दिया था यहाँ पे करीब, ये जब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था यहाँ पे करीब 200 208 202 या 208 के करीब यहाँ पे बाय दिया था, क्योंकि इसने सपोर्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया था यानी कि अपना एक बाय कैंडल था, उसके बाद स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई। इसमें भी अपना 400 का टारगेट है वो भी एक साल में, तो वो तो अचीव हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकआउट होता क्या है। तो अभी अपने चलेंगे तीसरे स्टॉक के ऊपर, और तीसरे स्टॉक का नाम है RHIM, RHIM यानी कि रिम मैग्नेसिटा, रिम मैग्नेसिटा स्टॉक का नाम रहेगा। थोड़ा देख सकते हो कंपनी का नाम यहाँ पे, रिम स्टॉक का नाम रहेगा। वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस डेट होगी अपनी 27 अगस्त 2022। तो इसमें क्या है, इसमें भी देखोगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है, जैसे कि अभी प्रीवियस में एग्जांपल के तौर पे बताया टाटा कॉफी में, तो सेम सेटअप अभी बन रहा है। अभी आपको थोड़ा सा हल्का सा लग रहा होगा लेकिन ये जब भी मतलब आने वाले वीक में ऐसे जाएगा तब आपको लगेगा कि अच्छा है ऐसा ब्रेकआउट होता है, और ये जेन्युइनली इस पे आप भरोसा कर सकते हो ऐसा ब्रेकआउट होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट में आपको क्या बोला है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आती है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और ऊपर से भी हल्की सी डाउन ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ पे रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आया, और उसका इसने एक कैंडल ने देखोगे तो कॉल ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, यानी कि उसने ये जो कैंडल है वो क्या हो गया, ब्रेकआउट कैंडल हो गई। उसके ऊपर स्टॉक अच्छे से देखोगे तो मार्केट में गिरावट आई लेकिन ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस वीक, यानी कि कंफर्म हो गया कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो दूसरा रीजन हो गया, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट के हिसाब से स्टॉक को बाय करना है। तो बाय कब करना है, 557.9 है तो आपको बाय करना है CMPP मंडे को, जो भी ओपन प्राइस पे होता है 1100 का टारगेट लगाना है। SL एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 498, 498 यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन का लो था यानी कि सपोर्ट आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखो ये जो इसका भी हाई ब्रेक करके यहाँ से चला गया, यानी कि जिगजैग मूवमेंट में ये लास्ट स्विंग आप इसको काउंट कर सकते हो, और उसके नीचे स्टॉक जाएगा तो पहले ट्रेंडिंग का ब्रेक आएगा उसके बाद ब्रेकआउट, यानी कि नीचे गिरने के बहुत कम चांस है ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस है। तो आपको बाय करना है, रिस्क देखोगे तो बाइंग लेवल से 10% का है, रिवॉर्ड 100% का है, रिस्क रिवॉर्ड 1:10 का टाइम पीरियड रहेगा, 3 से 12 महीने आप पोजिशन बना के रखोगे तो RHIM में अच्छी रैली ऊपर की साइड दिखा सकता है। तो गाइज मैंने आपको तीन स्टॉक बताए, तीनों स्टॉक लॉजिक के साथ बताया कि क्यों बाय करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट में आपको एक्यूरेसी भी अच्छी आती है, और लेकिन आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा गाइज। डिसिप्लिन यानी कि अगर इसके नीचे क्लोज देता है ये जो रेड लाइन स्टॉप लॉस लेवल तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, उसमें फिर से गिरावट आ सकती है। इसीलिए अगर भले आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक भले लॉस देता है 10-20% का, लेकिन आपका अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टर के हिसाब से आपको उसमें से एग्जिट करना पड़ेगा, वेट नहीं करना, क्योंकि आपके पैसे उसमें फिर फंस जाएंगे, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा फिर वो ऊपर जाने के बहुत टाइम लगा देता है। उससे अच्छा है तो कोई मोमेंटम स्टॉक में एंट्री कर लो और वहां पे आपको रिटर्न जल्दी देखने को मिलेगा। तो गाइज मैंने आपको तीन स्टॉक बताए, तीनों स्टॉक में पहला स्टॉक का नाम है शंकरा, दूसरा स्टॉक है TD पावर सिस्टम और तीसरा स्टॉक है RHIM। तीनों स्टॉक बहुत अच्छे है लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और कल का वीडियो मिस मत करना गाइज। कल अपना स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लेके आते हैं तो उसमें मैं आपको पर्सनल मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है वो भी समझाता हूँ, और बहुत अच्छे मोमेंटम स्टॉक होते हैं, कभी कभी तो 10-20% एक ही वीक में दिखा देते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक के लिए आप कल का वीडियो मिस मत करना गाइज। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में।